टूडे वी विल कंटिन्यू विद द बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड वट आर द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस लाइक सोर्स डेटा कॉम्पोनेंट जहाँ से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा स्टेजिंग कॉम्पोनेंट जहाँ पर हम लोग टेम्परली डेटा को स्टोर करते हैं जहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्म होता है एंड द थर्ड कॉम्पोनेंट वॉज डेटा स्टोरेज कॉम्पोनेंट डेटा वेयर हाउस के अंदर जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी कॉम्पोनेंट जहाँ से डेटा को रेडी टू यूज़ फॉर्मेट में हम लोग डिलीवर करते हैं मैनेजर्स को मेटा डाटा कॉम्पोनेंट इसमें हम लोग हर स्टेज के डेटा का डेटा अबाउट दैट डेटा हम लोग सेव करते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कॉम्पोनेट जो हर कॉम्पोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है और उसको मैनेज और कंट्रोल करता है टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ डेटावेयर हाउस सबसे पहली प्रोसेस हमारी जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रांसेक्शनल डेटा यानी हमने सोर्स डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है इनटू द डेटा वेयर हाउस तो उसकी दो हैं वन वन पुल पुल एंड पुश इज़ इनिशिएटेड द डेटा वेयर हाउस यानी पुल अप्रोच को वेयर हाउस इनिशिएट करता है और पुश अप्रोच को आपके ट्रांसैक्शनल सोर्सेज इनिशिएट करते हैं अप्रोच में क्या होता है कि जब डेटा वेयर हाउस डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार होता है देन द डिमांड इज रेज बाय द डेटा वेयर हाउस डेटा वेयर हाउस बता रहा है सिस्टम को कि वो डेटा अपडेटेड डेटा को या डेटा बैकअप लेने के लिए तैयार है एंड देन द डेटा इज बिंग ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसक्शनल फ्रॉम द ट्रांसक्शनल सोर्स टू दाउस पुश अप्रोच में क्या होता है ट्रांसैक्शनल सोर्स है, है वहां से डेटा को पुश करके स्टेजिंग एरिया में सेव कर दिया जाता है इसमें डेटा वेयर हाउस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो आपकी टेम्पररी स्टोरेज है डेटा को ट्रांसैक्शनल सोर्सेस से उठाकर उस टेम्परली स्टोरेज में छोड़ दिया जाता है एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन जब भी डेटा वेयर हाउस रेडी होता है तब हम लोग उसको डेटा स्टेजिंग से डेटा स्टोरेज में ले जाते हैं तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने की हमारे पास दो अप्रोचेज हैं पुल जिसे डेटा वेयर हाउस इनिशिएट करता है और पुश जो आपका ट्रांसक्शनल सोर्सेज इनिशिएट करते हैं नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रांसक्शनल डेटा जब आपके पास एक डेटा uh, एक्सट्रैक्शन हो गई है तो हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है बिकॉज द डेटा कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस और ये जो सोर्सेस होते हैं अलग अलग होते हैं सो दैट इज वाई समाइम दे आर ऑल्सो डेवेलप्ड बाय डिफरेंट आई टी कंपनीज डिफरेंट आई टी सोल्यूशन तो हमें क्या करना पड़ता है हमें बहुत ही ध्यान से एक नया डाटा मॉडलिंग तैयार करनी पड़ती है सो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म द डाटा डाटा को क्लीन कर सकते हैं डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ डायमेंशनल मॉडल यू मस्ट बी अवेयर दैट जो हमारा ट्रांसेक्शनल डेटा होता है उसके लिए हम लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं उसके लिए हम लोग हाईली नॉर्मलाइज डेटा यूज करते हैं जैसे कि ई आर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसमें हम लोग टेबल्स बनाते हैं इन दम ऑफ एंटिटीज और वो सभी टेबल्स एक दूसरे के साथ कीज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड हम लोग नॉर्मलाइजेशन बेसिकली करते क्यों हैं उसके सिर्फ दो कारण हैं एक तो हम लोग रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं और एक जो ट्रांसक्शन हो रही हैं उनको स्पीड अप करने के लिए यूज करते हैं बट दिस हाईली नॉर्मलाइज डेटा मॉडल जो हम लोग ट्रांसक्शनल के लिए यूज करते हैं दिस इज नॉट गुड फॉर द डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस के लिए हमें डी नॉर्मलाइज यानी थोड़ी सी रिटेंडेंसी के साथ डेटा को तैयार करना पड़ता है तो जो मॉडल हम लोग डेटा वेयर हाउस में यूज करते हैं जिसको हम लोग बहुत ही डिटेल में बाद में पढ़ेंगे उसको हम डायमेंशनल मॉडलिंग या डायमेंशनल मॉडल बोलते हैं डायमेंशनल मॉडल में दो चीजें होती हैं एक होता है आपका टेबल और दूसरी चीज होती है आपकी डायमेंशन टेबल्स जो फैक्ट टेबल होता है वो सेंटर में होता है और उसके आसपास जो उसको सराउंड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन टेबल्स फैक्ट कैन बी लाइक एनी सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल सेल्स और एनीथिंग एंड डायमेंशन आर लाइक द फील्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद दैट

पढेंगे तो अभी तक हमने बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस में क्या देखा है सबसे पहला टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा वेयर हाउस द सेकंड वाज द प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस उसमें सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं देन ट्रांसफॉर्मेशन देन क्रिएटिंग द डायमेंशनल मॉडल नेक्स्ट इज लोडिंग द डेटा जब एक बार डायमेंशनल मॉडल तैयार हो चुका है और आपका डेटा ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है यू आर रेडी टू लोड द डेटा कहा से कहा लोड करना है जो आपकी टेम्पररी स्टोरेज एरिया था जिसको हम लोग स्टेजिंग एरिया बोलते हैं वहां से हम डेटा को लोड करते हैं इन टू द एक्चुअल स्टोरिंग एरिया ठीक है द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्री कैलकुलेटेड समरी हम लोग सिर्फ डेटा को uh, ट्रांसफॉर्म करके नहीं रख लेते हैं हमारे डेटा वेयर हाउस के अंदर क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारे पास मैनेजर से कोई क्यूरी आती है तो हम लोग उसका फास्ट रिस्पांस दें तो वो फास्ट रिस्पांस तभी आएगा जब हमने डेटा को अलग अलग समरी लेवल पर सेव किया हुआ है जैसे ट्रांसैक्शनल डेटा में आया कि आज टोटल कलेक्शन कितनी हुई हर कलेक्शन की वैल्यू आती है लेकिन टोटल कलेक्शन कितनी हुई एरिया वाइज टोटल कलेक्शन कितनी हुई ब्रांच वाइज कलेक्शन कितनी हुई पर्टिकुलर एजेंट वाइज कलेक्शन कितनी हुई किस प्रोडक्ट की कितनी कैलकुलेशन हुई सो ऑल दीज हम लोग क्या करते हैं पहले से ही प्री कैलकुलेट करके रखते हैं उसका फायदा क्या होता है कि जब हमें मैनेजर की तरफ से कोई क्यूरी आती है देन वी डोंट टू कम्प्यूट दो वैल्यूज

Yes, नुकसान होता है हमें एक्स्ट्रा मेमोरी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए क्योंकि हम लोग एग्रीगेशन को कई बार इन द फॉर्म ऑफ रेडीमेड ग्राफ्स चार्ट्स पहले से ही सेव करके रख लेते हैं द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड क्रिएटिंग द फ्रंट एंड रिपोर्टिंग टूल हमें एक जी यू आई डिजाइन करना पड़ेगा कि जब हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया ट्रांसफॉर्म कर लिया उसको लोड कर लिया, उसको उसकी बना ली, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज कि हम लोग इस डेटा को मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सके तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रंट एंड रिपोर्टिंग टूल्स तैयार करते हैं डेटा For better analysis, cannot be in the form of tables or the text. Generally, we have to use the advanced visualizations like charts, graphs, or interactive charts and graphs so that they can easily take their decisions. So, everything in the end depends upon the reporting tools. So, only through a very good and very interactive and clean Reporting tool decisions are easy for the management. Okay, so some of the examples are like Microsoft Data Analysis and many other tools that can be used for creating and sharing the visualizations of the data. The last topic that we are going to discuss today is the various design.

उस ट्रांसैक्शनल डेटा में से या सोर्स डेटा में से कौन सा डेटा लेना है और कौन सा डेटा नहीं लेना है और जो डेटा लेना है उसकी ग्रेनुलरिटी यानी उसकी कितनी डिटेल हमें चाहिए वी डू नॉट want दैट वी शुड also extract द डेटा जिसकी बहुत ज्यादा ग्रेनुलरिटी लेवल हो ताकि हमारी स्टोरेज बढ़ जाए लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा लेस द डेटा यू कलेक्ट

इनिशिएटेड बाई द डेटा वेयर हाउस जब डेटा वेयर हाउस रेडी होता है तो वो बोल देता है डेटा नेक्स्ट इज पुश इसमें आपके स्टेजिंग एरिया में छोड़ दिया जाता है और वहां से फिर जब टाइम होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसको लोड कर दिया जाता है the next is, how much data to be स्टोर्ड अब डेटा आ गया है वो नॉन रिडंडेंट डेटा है क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड डेटा है लेकिन फास्टर सर्च ऑपरेशन के लिए हम लोग उसके अंदर थोड़ी सी रिडंडेंसी ऐड करते हैं यानी उसको डी नॉर्मलाइज करते हैं तो जब हम लोग डी नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो किस लेवल तक हमने डी नॉर्मलाइजेशन करनी है तो उसका डिसीजन लेना है और दूसरी चीज जैसा मैंने आपको बताया यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रेनुलरिटी ग्रेनुलरिटी का मतलब यह है कि कितनी डिटेल तक हमने जाना है यह भी हमने डिसीजन जो है वो इसके अंडर लेना है द नेक्स्ट इज अपडेट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वर्ड आपको मालूम है कोई भी काम हम कितनी बार करते हैं एक यूनिट टाइम में हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ठीक है तो फ्रीक्वेंसी आप कितने देर बाद या कितने टाइम बाद डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे ओके आई एल कंटिन्यू अपडेट फ्रीक्वेंसी मीन्स आप कितनी बार एक यूनिट टाइम यानी एक दिन में या एक हफ्ते में कितनी बार डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपडेट करते हैं ये अगर बहुत ज्यादा होगा तो इट इज नॉट गुड क्योंकि वो बार बार नेटवर्क का लोड बढ़ता जाएगा एंड ऑल दैट और फिर डेटा भी बहुत कम कम आएगा अगर मैं दिन में पांच बार करता हूं तो बहुत बार नेटवर्क यूज हो रहा है बहुत कम क्वांटिटी में डेटा आ रहा है अगर मैं इसको एक दिन में एक बार करता हूँ तो नेटवर्क इशू कम है और बहुत सारा डाटा एक बार में ही आ जाएगा लेकिन हम अपडेट फ्रीक्वेंसी को बहुत लो नहीं कर सकते हैं यानी कि मैं बोलूं कि मैं एक हफ्ते बाद अपडेट करूंगा अगर मैं एक हफ्ते बाद अपडेट करूंगा तो इसका मतलब क्या है डेटा वेयर हाउस के अंदर एक हफ्ते का पुराना डेटा पड़ा है जब तक नेक्स्ट डेटा नहीं आ जाता है तो एक हफ्ते पुराना डेटा कैन मे नॉट बी दैट यूजफुल फॉर द एनालिसिस पर्पज तो आपको ये बहुत ध्यान से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने पीरियड में आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप चाहें तो आप अपने डेटा वेयर हाउस को प्राइवेट भी कर सकते हैं आप चाहे तो उसको थर्ड पार्टी से भी बनवा सकते हैं लेकिन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका प्राइवेट वेयर हाउस है आपका प्राइवेट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेटा इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू द थर्ड पार्टी टूल हम लोग आउटसाइडर uh, से लेते हैं तो जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव टू एंश्योर दैट अवर डेटा वेयर हाउस और द डेटा इन द वेयर हाउस इज सिक्योर एक्सेस किसको देनी है और कितनी देनी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट किसी को सिर्फ व्यू का देना है किसी को एनालाइज करना है तो दे कैन व्यू इट। मॉडलिंग मैंने आपको अभी बताया कि ट्रांसैक्शनल डेटाबेस में क्या होता है कि आपका हाईली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस यूज करते हैं। ईआर मॉडल विच इज नॉट दैट यूजफुल फॉर द एनालिसिस तो हम लोग कौन सा डेटा मॉडल यूज करते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर डायमेंशनल मॉडल डायमेंशनल मॉडल में क्या क्या होता है एक आपका फैक्ट टेबल और एक आपका डायमेंशनल टेबल्स, ठीक है तो डी नॉर्मलाइज हम लोग मॉडलिंग uh, करेंगे उसके लिए हम लोग फैक्ट टेबल्स और आपके डायमेंशन टेबल्स क्रिएट करेंगे मैंने आपको एक चीज बताई थी द स्कीमाज मॉडल्स दैट वी यूज फॉर द डेटा वेयर हाउस आर स्टार स्कीमा

जैसे नॉर्मलाइजेशन होती है ना एक टेबल के बाद दूसरा टेबल टेबल तीसरा टेबल, एक टेबल को तीन टेबल्स में डिवाइड कर दिया फैक्ट स्टार स्कीमा में सिर्फ सिंगल फैक्ट टेबल चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको एक लेवल या दो लेवल तक मैक्सिमम ब्रेक कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका स्नोफ्लेक स्कीमा नेक्स्ट कंसिडरेशन पॉइंट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग टेक्निक इंडेक्सिंग आप समझते हैं कि जो भी हमारी प्राइमरी कीज होती हैं उनके ऊपर इंडेक्सिंग की जाती है सो दैट द सर्च ऑपरेशन कैन बी वेरी फास्ट तो हम लोग हमारे टेबल में हर एक की जिसके ऊपर इंडेक्सिंग की जा सकती है अलग अलग इंडेक्सिंग करके सेव करते हैं यानी अगर आपके पास एक टेबल है तो उसके ऊपर मल्टीपल इंडेक्सेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं जैसे एक रोल नंबर पर एक उसके नेम पर एक उसके एज पर एक उसके मोबाइल नंबर पर एनीथिंग

Next is tools to be used. Like I said, आप अपना खुद का खुद के टूल्स भी यूज कर सकते हैं या आप भी यूज कर सकते हैं. तो इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ द वेयर हाउस और आप एक थर्ड पार्टी टूल को यूज करना चाहते हैं नेक्स्ट इज मैटा डाटा मेटा डाटा बहुत जरूरी है आपके डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई कौन सी टेक्निक लगाई गई कैसे जनरेट की गई कब जनरेट की गई किस लेवल तक जनरेट की गई ऑल दिस इन द मेटा डेटा एट ऑल द लेवल्स हर लेवल तक मेंटेन किया जाता है मेटा डेटा खुद में डेटा नहीं है दिस इज ओनली द डेटा अबाउट द डेटा और द प्रोसेस जो हम लोग करते हैं

एंड शुड बी मॉडल्ड इन सच अ वे दैट द प्रोसेसिंग टाइम इज मिनिम अगर आप से डाटा मांगा गया और आप उसको टाइमली दे ही नहीं पाए हैं तो उस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है तो दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिससे प्रोसेसिंग टाइम कम लगे और प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम हो और एक अच्छे फॉर्मेट में डेटा को हम लोग दे सकें ताकि वो उसकी यूजफुल एनालिसिस कर सकें so uh, students that is the end of the topic that is called the building a data warehouse so